साथ रात भर मारपीट की गई है भूखे प्यासे रख के। जेल के अंदर कई हरासमेंट के केसेस हैं, कई प्रताड़ना के केसेस हैं, वो भी अब बाहर आएंगे। अगर किसी पत्रकार को आप ऐसे जगह रखोगे जहां चीजें और भी गलत तरीके से हो रही हैं। 3-4 महीने में मैंने जेल देखा, काफी तकलीफ भरा रहा जी। पुलिस ने कहना चाहिए किडनैपर्स थे वो, मुझे मेरे ऑफिस से जबरदस्ती उठा के अपनी गाड़ी में, सादी वर्दी में थे, उठा के ले गए। मुझे मेरा मोबाइल जो है तुरंत छीन लिया, मोबाइल इस कंडीशन में छीना कि उसका ग्लास जो है ब्रेक हो गया। मुझे वहाँ से लेके जगदलपुर लेके गए, जबकि अगर पुलिस वाले थे तो उनको जो है कम से कम जो भी नियरेस्ट थाना था वहाँ मुझे ले जाके ट्रांजिट रिमांड लेना चाहिए था, वो उन लोगों ने नहीं लिया। मेरे ऑफिस से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे थाना है, 100 से 200 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पुलिस वाले हमेशा मेरे ऑफिस के सामने से गुजरते हैं, तो सीधी सी बात है अगर अरेस्ट करना होता तो दंतेवाड़ा पुलिस काफ़ी थी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दंतेवाड़ा पुलिस ने कभी ये नहीं चाहा कि पत्रकार जो है अरेस्ट हो। शिवराम प्रसाद कल्लूरी बस्तर आई जी ने अपने किडनैपर्स को, जो ऐसे मामले फर्जी मामले बनाते हैं, उनको स्पेशली भेजा अरेस्ट करने के लिए। प्रमोद श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है जो ऐसी चीजों में हमेशा इन्वॉल्व रहा है। मैंने कई जेल में कुछ कई लोगों से बात की, उन लोगों ने बताया कि प्रमोद श्रीवास्तव है, मोटा सा आदमी है, कई लोग नाम जानते हैं, कई नहीं जानते हैं, कई कद काठी बताते हैं, कुछ लोगों को उड़ीसा तक से उठा के लाया है। कुछ भी नहीं, मुझे जो है परपा थाने में लेके गए, रात हो गई थी। मैंने वहां के थानेदार से पूछा कि सर आपने मुझे यहाँ किस जुर्म में लेके आए हैं, तो उन्होंने बोला कि मैंने आप लोगों को यहाँ, आपको जो है यहाँ मेरे आदमी लेके नहीं आए हैं, मेरे स्टाफ लेके नहीं आए हैं, ये किसी और थाने के स्टाफ है। तो मैंने बोला कि सर आप जो है इलीगल तरीके से मुझे फिर यहाँ कैसे रख सकते हैं, अगर दूसरे थाने के स्टाफ हैं तो वो उनको उस थाने में ले जाके रखना चाहिए। तो बोले कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो आईजी साहब ही देंगे। तो मैंने बोला कि आईजी साहब से बात करवाइए, तो उन्होंने बोला कि ये संभव नहीं है, वो लोग आएंगे, जो भी ऑफिसर हैं आएंगे, आपसे बात करेंगे। तो उस रात तो कोई नहीं आया, जो आए मतलब आईजी नहीं आए, बाकी जो आए वो लोग जो है वहीं के एसडीओपी और कोतवाली के थानेदार। डर इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे जब किडनैप कर रहे थे ये लोग, उस समय मैंने काफी क्राउड था वहाँ, क्योंकि मेला का वो था, मेला वहाँ लगभग 1 महीने चलता है, तो काफी भीड़ भाड़ थी वहाँ। मेरे साथ रात भर मारपीट की गई है, भूखे प्यासे रख के, मुझे किसी से बात नहीं करने दिया गया। उनका एसडीओपी था, नाम नहीं जानता, नाम ध्यान नहीं है, कोई उमेश कश्यप ऐसा कोई है, उसने जो है पहले तो ये बोला कि आप हमारे लिए काम करो, तो मैंने बोला कि यह पॉसिबल नहीं है, कम से कम हमारे जैसे लोगों से आप उम्मीद मत रखो कि आप हम जो है एक तरफा स्टोरी करें, हम पब्लिक के लिए काम करते हैं और जो रहेगा वो चीजें जो है हम लिखेंगे। तो ये लोग जो है काफी गुस्से में मारपीट किए, खिलाए पिलाए नहीं, और सुबह जो है कई सारे पेपर्स में साइन करवा रहे जबरदस्ती, वो भी आरी ब्लेड की नोक पे। मैंने बोला कि जब उन लोगों ने साइन करने बोला तो मैंने ये कहा कि मेरे वकील को आ जाने दीजिए, मेरे वकील से बात करवाइए, वो आ जाएंगे उनके सामने, आप जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ वहाँ मैं साइन कर दूंगा। तो उन्होंने ये सब करने नहीं दिया मुझे। उनकी एक महिला एएसआई है,
वो सोनी सोड़ी मामले में भी काफी एग्रेसिव थी, जबकि वो जांच कमेटी जो उनके ऊपर केमिकल अटैक का था उसमें आईपीएस थे, लेकिन कल्लूरी ने स्पेशली ऐसे केसेस में उसको अपॉइंट किया हुआ है या करते रहे हैं कि वो जो है जो भी प्रार्थी प्रार्थिया या जो भी रहे उनको वो धमकाए, गंदी गंदी गालियां, अश्लील गालियां देती है वो। उसके बाद मुझे, मैं जैसे ही निकला मैंने अपने जो भी पत्रकार मित्र थे मैंने उनको इन्फॉर्म किया और चीज़ें बताई कि मेरे साथ इस टाइप से व्यवहार हुआ। उसके बाद कोर्ट में जब पेश किए मुझे तो मैंने जज साहब को बताया कि मेरे साथ इस टाइप से मारपीट हुई है और जो मेडिकल रिपोर्ट्स लगा हुआ है उस डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई ही नहीं, और डॉक्टर ने जो है जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनाया है वो बिना देखे ही बिना कोई जांच पड़ताल के बनाया है। तो जज साहब ने ऑर्डर किया कि इनका जो है दोबारा चिकित्सकीय जांच जो है करवाई जाए, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे उसी शाम जेल में डालकर। कितना वक्त आपने बिताया जेल में? जेल में मैंने पूरे 96 दिन बिताए। 96 दिन। सबसे बड़ा चीज है विकास। विकास जो है नक्सलवाद के कारण नहीं हो रहा है और जो सिस्टम है, जो ठेकेदार हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, ये चाहते ही नहीं कि वहाँ जो है विकास हो, क्योंकि सीधी सी बात है माइनिंग का काम है वो इनको करना है, उसके लिए गांव को खाली करवाना है, उसके लिए ये लोग पूरी ताकत झोंक के रखे हैं। आज जो है बस्तर में हर 10-12 आदमी के पीछे एक पुलिस का जवान है, तब भी जो है लोग सुरक्षित नहीं है। मैं जिस दिन अरेस्ट हुआ उस दिन मुझे मालूम था कि ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है, इन्होंने बहुत गलत तरीके से सही आदमी को अरेस्ट कर लिया। जेल के अंदर कई हरासमेंट के केसेस हैं, कई प्रताड़ना के केसेस हैं, वो भी अब बाहर आएंगे। अगर किसी पत्रकार को आप ऐसे जगह रखोगे जहां चीजें और भी गलत तरीके से हो रही हैं, वहां हॉस्पिटल में लोगों को दवाइयां नहीं देते हैं, 3-3 साल से मरीज जो इंतजार करता है कि मेरा गाल का घाव जो है कब सूखेगा बिना दवाई के, जेल में है वो, पेशी जाता है पेशी से आ जाता है, कोई बड़ी पार्टी नहीं है कि अपना वकील से अप्रोच लगा ले कि मुझे जो है मेडिकल ट्रीटमेंट मिल ले। पुलिस जो न करवाए जो न चाहे वो होगा और नक्सली जो न चाहे जो न करवाए वो होगा, राज उनका है। एक पूरा बस्तर का एक इलाका जो माओवाद इफेक्टेड है, वहाँ जो है नक्सलियों की सरकार है, वो वहाँ अपने हिसाब से अपना सरकार चलाते हैं, अपने हिसाब से लोगों को बिठा के अपना फैसला करते हैं। वैसे ही पुलिस भी अपने हिसाब से सारी चीजें कर रही है। कल्लूरी, बस्तर आईजी कल्लूरी जो है अपने ऑफिस में बुला के कई नेताओं को धमकी तक देता है ऑफ द रिकॉर्ड, ये चीजें जो है वहां के नेता स्वीकार करते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को आप देखेंगे तो इतना आसान नहीं है जन वहाँ के पत्रकार को काम करना। तो सवाल क्या था? सवाल मेरा ये है कि मतलब यही जैसे पुलिस एक्यूजेशन आरोप लगाती है कि ये फलाना फलाना नक्सली है, तो मान लीजिए कि हम जो है नक्सलियों की अगेंस्ट, मतलब आप ये कहें कि नक्सली कुछ गलत कर रहे हैं, उन चीजों को सामने लाए तो पुलिस उसको ध्यान ही नहीं देगी, उनके लिए तो उपलब्धि है। अगर पुलिस कुछ गलत करती है, जो अच्छा कर रही है वो तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन अगर गलत करती है उन चीजों को अगर आप सामने लाओ तो वो आपके नजर में, आप उनके नजर में चढ़ गए हो और आपके खिलाफ कुछ ना कुछ किया जाएगा। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ होता रहेगा।